बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ गए अपने जिम में और ये देखो कुछ लोग यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ अपना कार्डियो। ऐसे ऐसे जिम है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ट्रेनर है। देखो ये लोग बिरयानी खा रहे हैं और हमें मोटिवेट करनी चाहिए, डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये हमारा रहा तीसरा पार्टनर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वर्कआउट करा करो यार, जिम आया करो और बहाने मत बनाया करो। बहुत से लोग बहाने कर देते हैं, किसी गर्लफ्रेंड भाग गई। एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाऊंगा आज आपको मैं, जो मैं टारगेट करता हूँ। लेग्स डे वाले दिन हम एक कोई ना कोई एक लड़का पकड़ते हैं और उसके हम लेग्स लगवाते हैं, तो आज का हमारा टारगेट है ये, हमारा भाई रोहित सैनी। जनता माफ नहीं करेगी। कितना हुआ, 100 हुआ ना अभी? पूरा 200 कर, 200 किलो लगा टोटल। चलो स्टार्ट कर। शाबाश, बहुत बढ़िया। पवन, यस, नीचे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त एकदम। 210 किलो, 200 भी नहीं भाई ये। लौंडे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। पैर मत मोड़ना, लॉक मत करना, चल। शाबाश, कौन, जबरदस्त, चल। शाबाश, घर जाना है मुझे, घर जाना है। चल चल, कितने आए, चार आए। खड़ा हो जा, पटाख से खड़ा हो जा, घुटनों के बल। बस कैसा लगा अनुभव बताया अपना? 210 केजी, जन्नत नरक। चल ठीक है, बैठ के ठीक है ना, अभी ना नहीं कैप के। ये लो सर पे लगा रखा टोपा क्योंकि हो रखा कोल्ड। नो सपोर्ट। अरे तीन आएंगे। बस आगे भी लगानी और एक्सरसाइज। मजा आ गया और पूरी खुल गई टांगे। पहला सेट हैवी लगाएंगे। तीसरा बंदा, तीन बंदा ग्रुप जब करते थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन रिलैक्स का टाइम भी मिल जाता है। 8, बहुत बढ़िया। दिन में तारे नजर आने वाला वर्कआउट है पहला ही। तो लेग्स के वर्कआउट की एक टिप है जो कि हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक है ये, जो आप पहला सेट लगाओ पूरा हैवी लगाओ फुल, लेकिन प्रॉपर वॉर्म के बाद। तो वॉर्म करके जब आप लगाओगे कोई भी लेग्स का वर्कआउट, अब प्रेफर करना दोनों में से कोई एक, या तो लेग प्रेस एक पीछे भी हमने लगाया, या फिर दूसरा स्क्वैट और स्क्वैट मशीन, तो सब लगा सकते हो। मैनुअल है यहाँ पे, स्मिथ नहीं है, या आप स्मिथ में लगाओ, बट हैवीएस्ट टू हैवीएस्ट लगाओ जितना आपका कैपेसिटी हो, आपके सारे मसल्स खोल के रख देगा, उसके बाद आप देखना वेट कितना हल्का आपको लगने लगेगा। तो ये है टिप आज की लेग्स डे। बॉडी में एकदम ब्लड फ्लो बढ़ा है तो अब उसके बाद जो है गर्मी लग गई, तो मैंने कैप अपना उतार के रख दिया साइड में। अब बारी है हमारी उसके हैग स्क्वैट की, तो लेग प्रेस मशीन हुई कंप्लीट। तो ये वर्कआउट ऐसा है हैग स्क्वैट का जो कि रोहित अभी लगाने जा रहा है, इसमें यमराज नजर आ जाएंगे साक्षात। ये देखो कि इसकी जो पोजीशन है, जो एंगलिंग है वो ऐसी है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर इसको लगाने से घबराते हैं, और जो लगाते हैं वही आगे चल के जबरदस्त बॉडी बनाते हैं, लेग्स बनाते हैं। तो लेग्स हमारी बॉडी की जान है, पिलर है, तो इसको प्रॉपर तरीके से हमें वर्कआउट करना है। तो देखो कैसे लगाता है ये वर्कआउट को। चल कम ऑन, शाबाश, एक और लगा, एक और, चल लास्ट है, उठा कम ऑन, कंधों से लगा जोर, कोल्ड टाइट, उठानी पड़ेगी, उठा उठा उठा। ले बजरंग बली का नाम, जा बजरंग बली, उड़ा दे, चल अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर, चल वैलेंटाइन डे को याद कर, परसों है, चल। तो भाई ये बंदा हो गया फेल यहाँ पे, लेकिन इसे बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं उठा दो, लेकिन मेहनत करना जरूरी है, ट्राई करना बहुत जरूरी है, और ट्राई अगर करोगे तो एक ना एक दिन लगाएगा ये। अब मैं लगाऊंगा एट स्क्वायर।
गाड़ी चल रही है, लहरा उंगली कर रखी है, उल्टा कर रखा। जय बजरंग बली। बहुत हार्ड है, देख कर रही पूरी, देख लेना साइड से। तीन, चार, याद करो दुर्गा जी मारा था, उसके बाद से तुम लेके भागे हो। ड्यूरिंग वर्कआउट क्या आता है, बहुत सारी क्वेरी है। तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी पहले कि पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, मिथ है ये। पानी आपको पीना चाहिए लेकिन सिप सिप करके पीना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं पीना चाहिए कि पूरा एकदम घटक गए। सिप सिप करके आप पियोगे तो आपको एकदम जो है गला सूखेगा नहीं, गला आपका नमी बनी रहेगी, बीच वर्कआउट में आपको एकदम अनकॉन्शियस नहीं होगी। तो उसी तरीके से पानी को सिप सिप करके पीना। ज्यादा ये कोई ज्यादा नहीं, चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। हैवी वेट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं सो दैट अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ सके, क्योंकि अब बाहर टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो मसल्स को थोड़ा हीट देनी पड़ेगी, लिमिट्स को आप पुश करके। अभी 25-25 किलो लगाते, 35-35 किलो लगाते, मैं भाई लड़ो मत यार। नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो हमारा लेग एक्सटेंशन है, और इसमें मेन यह है कि आपको हिप्स को पूरा पीछे जो है होल्ड करके रखना है, गर्दन को ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, प्रॉपर तरीके से रखेंगे, पंजे को ऊपर लाएंगे, देन नीचे धीरे फोल्ड करके इसको लाएंगे स्लो मोशन में। जैसे ही आप इसको स्पीड में करते हो तो स्पीड में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, एक्सेप्ट कि आपकी बॉडी के जो क्वाड्स के जो मसल्स है क्वाड्स वो आपके से पंप होंगे, उसमें कोई आपको इफेक्ट नहीं मिलने वाला। हमारा पर्पस है मसल्स को ब्रेक करना। कितने हो गए, तीन हो गए, चार, पांच, छह, पास आगे बना, आठ, ये फुल वेट हमने उठा रखा था इसमें, लेकिन हमने इसमें से 8 रिपीटेशन निकाले हैं। अब वेट ड्रॉप करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन हम अपना बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है तो आप वेट बढ़ा लो या फिर रिपीटेशन बढ़ा लो, तो हम वेट ड्रॉप करेंगे और अपना रिपीटेशन बढ़ाते चले जाएंगे। भाई बिना बेल्ट के है, 100 किलो वेट है, 20 किलो की रोड है, 125 किलो, एक रिपीटेशन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इनका ज्यादा निकालेंगे आज। चलो ठीक है, बिना निकैप के देख लो, निकैप बिना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं, और देख लो पूरी डेप्थ है। वेट तो लगा लोगे, ऊपर ऊपर लाने कुछ नहीं होगा, नीचे मार के दिखाओ। एक चीज भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब आप वेट लगा ले तो इतना वेट लगाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 125 किलो लगाओ चाहे 20 किलो लगाओ, उसको वेट को हटा के पूरा इक्विपमेंट को हटाना, रिरैक करना वेट को, वो बहुत बड़ी बात है। तो पूरा वेट जरूर हटाना है और उसको रिरैक भी करना है, एज इट इज जहां से आपने उठाया है उसी पोजिशन से उठा के उसको जो है रखना भी जरूरी होता है। तो ये जिम के एथिक्स है जो कि हमें सबको फॉलो करने चाहिए एक अच्छा जिम मेंबर होने के नाते। पैसे दे रही आपने कोई, वो नहीं कोई आपको गुलाम बन गया आपको वेट उठा के रखेगा, तो ये सब भाईचारे वाला काम है, इट्स ए कम्युनिटी। और कम्युनिटी में जब हम जैसे कि लोकल कॉलोनी में रहते हैं मिलजुल के, ऐसे जिम में भी सबके साथ रहना चाहिए। तो इस जो रूटीन है इसको जरूर फॉलो करो, ये भी एक तरीके का अपना वर्कआउट है जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर आएगा और आपको एक अच्छा जिम फ्रीक बनने में हेल्प करेगा। बॉडी की पूरी जान इस तरीके से निकल गई, जैसे गन्ने का रस होता है ना, गन्ने का रस निकल जाता है उसके बाद गन्ने की खोखस बचती है लास्ट की, फिर भी उसमें जूस निकाल लेना जूस वाला। तो हम भी अपनी बॉडी को इस तरह से कर रहे हैं कि प्रॉपर बॉडी की बैंड बच चुकी है, लेकिन फिर भी अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट जो है हम लगाने वाले हैं वो लेग्स में आएगा हमारा, लेग कर्ल, और लेग कर्ल होती है हमारी ये मेन हैमस्ट्रिंग के लिए। तो हैमस्ट्रिंग का जो हमारा मसल है उसको हम इससे जो है अपना ट्रेन करेंगे, और उसके साथ साथ लगाएंगे बैक टू बैक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट डंबल से हैमस्ट्रिंग के लिए। तो ये दो वर्कआउट है, इसके बाद देखना। और ये सब वर्कआउट यूजफुल किस में है, आजकल के लड़कों के लिए, यंग लड़कों के लिए,
जो कि जीन्स पहन के एकदम फिट जीन्स अपना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इसमें जीन्स जबरदस्त फिटिंग आएगी। तो लेग कर्ल करने का प्रॉपर तरीका यही है कि इसको प्रॉपर अपना हिप्स को और बैक को पीछे लगा के रखें, गर्दन पीछे रखें और स्लो मोशन में इसको करें। तो इसमें जब आप करोगे तो इसमें प्रॉपर आपका एकदम स्ट्रेच आएगा। धीरे करना वर्कआउट को, रेलगाड़ी नहीं बनानी। और लेग्स का वर्कआउट ऐसा है कि इसमें टाइम लगता है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। बैक टू बैक लगाने में पूरी जान निकल जाती भाई। ट्वेंटी के जी है तो तो 13-20 किसी का था डंबल, रोहित ने लगाया था अभी। अब इसके बाद दो सेट और करूंगा, उसको करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा तीन स्ट्रेचिंग जो आपको करनी मैंडेटरी है, जिसको आप करोगे तो आपका प्रॉपर एकदम जबरदस्त ब्लड फ्लो मसल्स के अंदर होगा, पेन भी बहुत कम होगा आपको रिकवरी के टाइम पे अगर आप डाइट प्रॉपर लोगे तो। दिखाता हूँ आपको तो पैर को एक थोड़ा हायर पोजिशन पे कोई भी इसमें ले सकते हो आप, उसमें कर लोगे। और उसके बाद इसको पूरा आपको नीचे बॉडी पे स्ट्रेट रख के थाई को देखना, जब आप इसको यहाँ पे स्ट्रेच करोगे ये पूरा का पूरा मसल आपका स्ट्रेच हो जाएगा जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है पॉड। इसी तरीके दोनों तरफ करेंगे, इस तरीके से आपको करके एक बेंच के ऊपर रख के इस तरीके से बेंच पर रख के आप करोगे, ठीक है। इस पर आपका ये हो जाएगा, आपको नीचे अपना पुश करना बॉडी को, तो आपका जो ग्लूट्स का जो पोर्शन है ये आपका पूरा स्ट्रेच होगा और जो आउटर क्वाड है वो भी एकदम सेम वे। दूसरी लेग से हम करेंगे इसमें, एक एक साइड ही करना, ज़्यादा नहीं करना स्ट्रेचिंग का। तो प्रॉब्लम होती नीचे बैठने डेप्थ में जाने में, ये दिक्कत हमारी पूरी खत्म हो जाएगी इससे। उघड़ो बैठेंगे ये ऐसे करके और पूरा फिस्ट को लगा के ऐसे कंट्रोल करके देना, हम इसको पूरा अपना पुश करेंगे और इसमें ऐसे स्ट्रेच देंगे इस तरीके से यहाँ पे।